दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे बड़े जहाजों के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें से एक जहाज हमारे देश भारत का भी है। इस जहाज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें। ब्लू मार्लिन। दोस्तों, ये एक कार्गो शिप है जिसमें अब तक कई बड़ी बड़ी चीजों और मिलिट्री और नेवी की भारी वजनी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जैसे उनके छोटे मोटे जहाज और बड़ी बड़ी कंपनियों के पेट्रोल टैंक्स, मशीनरी और यहां तक कि जहाजों के बेस को भी डिलीवर किया जाता है। ये ब्लू मार्लिन जहाज के मालिक डॉकवाइज कंपनी है। इस जहाज की लंबाई 740 फीट है और इसकी गहराई 150 फीट है। और ये इतने भारी भरकम सामानों को लोड करने के बाद भी ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में सक्षम है। ओएसिस ऑफ द सीज। दोस्तों, ये एक क्रूज शिप है जिसके मालिक रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल है। दोस्तों, इस शिप को बनाने का काम दिसंबर 2007 में किया गया था, जिसकी डिलीवरी रॉयल कैरिबियन को 2009 में कर दी गई थी। इस जहाज की कीमत की बात करें तो ये 1.4 बिलियन डॉलर में बनके तैयार हुआ था। दोस्तों, इसमें एक बार में 6000 यात्री ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन पैसेंजर के साथ साथ इस जहाज में 2000 से 2400 क्रू मेंबर्स इसकी सेवा करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, इस जहाज की लंबाई 1200 फीट है और ऊंचाई 236 फुट है। ये एक बहुत ही लग्जरियस शिप है, इसलिए इसमें बहुत से एंटरटेनमेंट और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे सिनेमा हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल और एक वाटर थिएटर भी है, जहां आप पानी में रहकर मूवी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इसमें ट्रैवल करना है तो इसकी सबसे सस्ती टिकट $9,000 यानी करीब 6 लाख रुपए होगी। 6 लाख रुपए में आप यहां पे 7 दिनों तक रह सकते हो। सी वाइज जायंट। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे लंबा जहाज है, जिसे 1969 में जापान में बनाया गया था। ये इतना ज्यादा लंबा है कि दुनिया की बहुत सी पॉपुलर बिल्डिंग भी इसके सामने छोटी है, जैसे न्यूयॉर्क की द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और मलेशिया के पेट्रोनस ट्विन टावर से भी ज्यादा लंबी है, क्योंकि इस जहाज की लंबाई 1500 फीट है। दोस्तों, ये जहाज एक दुर्घटना का शिकार भी हो चुका है, और वो भी बनने के सिर्फ 10 साल बाद ही, क्योंकि ईरान और इराक की लड़ाई में इसके ऊपर कुछ बॉम्ब गिर गए थे, जिसके बाद ये आधे से ज्यादा तबाह हो गया था। और फिर इसको रिपेयर करने के लिए इस जहाज को सिंगापुर भेज दिया गया, और पूरी तरह से रिपेयर करने के बाद इसका नया नाम रखा गया, जो नाम था हैप्पी जायंट। और कुछ साल बाद इसको बेच दिया गया और इसके नए मालिक ने इस जहाज का नाम बदल के जेरी वाइकिंग रख दिया। और फिर दोबारा से इसको बेचा गया और इसका नाम दोबारा बदला गया और अब इसका नाम नॉक नेविस रखा गया। और ऐसे ऐसे करके इसको 5 बार बेचा गया और अंत में इसको हमारे देश भारत में लाकर इसको स्क्रैप यानी कबाड़ के रूप में बेच दिया गया। निमिड। दोस्तों, एक वॉरशिप है जिसका इस्तेमाल देश के समुद्री बॉर्डर पे नेवी द्वारा किया जाता है। ये जहाज 97,000 टन तक का वजन झेल सकता है और इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉरशिप है। दोस्तों, सबसे पहला निमिट जहाज 1975 में इस्तेमाल किया गया था और इस जहाज की लंबाई की बात करें तो ये 1100 फीट है और ये 90 लड़ाकू विमान को कैरी कर सकता है। इसमें लगातार 2000 से 3000 लोग इसकी सेवा में लगे रहते हैं। और ऐसा ही वॉरशिप हमारे देश इंडिया के पास भी है, जिसका नाम INS विक्रम आदित्य है। अंग्रिया। दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में तो नहीं गिना जाना चाहिए, लेकिन ये इंडिया का पहला डोमेस्टिक क्रूज शिप है, जो कि मुंबई टू गोवा के रूट पे ट्रैवल करता है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 430 फुट लंबा है और इसको जापान देश में तैयार किया गया था, जिसे हाल ही में सन 2018 से सेवा में लाया गया है। और इसमें वो सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है जो कई लग्जरी जहाजों में होती है, जैसे बार, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम। इसमें एक बार में 400 पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं और इसकी टिकट 4000 से 8000 तक की है। दोस्तों, इनमें से आप कौन से जहाज में ट्रैवल करना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें और हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप पे शेयर करके हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।